जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके टॉप 10 क्वेश्चंस के हमारे डेली वीडियो में। तो रोजाना की तरह इस वीडियो में भी जीके के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज का ये पार्ट 32 है और इसमें टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो इन क्वेश्चंस का हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, विद आंसर की आपको ये क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, ये जो चार वर्ण बताए गए हैं ऋग्वेद में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का जो जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल है, तो 10वें मंडल में ये प्रोसूक्त चार वर्णों यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इनकी जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद के महत्वपूर्ण ये है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद की रचना की विश्वामित्र ने। और ये जो वेद है इसमें श्लोक है, और वो श्लोक क्या काम आते हैं? यज्ञ के दौरान वो श्लोक पढ़ने में काम आते हैं। तो इसीलिए इसमें 10 मंडल, मैंने अभी बताया कि 10वें मंडल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों की जानकारी हमें मिलती है। तो इस ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, यानी ऋचाएं यानी श्लोक। तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 इसमें ऋचाई है। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो अब तो हो गई इसकी मेन बात। तो अब देखिए, इसमें 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, और उनमें से आपके एग्जाम में चार मंडलों से क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि 10 मंडल है, उसमें पहला इंपॉर्टेंट है तीसरा मंडल। तो तीसरे मंडल में आपको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है सावित्री यानी सूर्य देवता की। तीसरे मंडल में आपको सावित्री सूर्य देवता की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सातवां मंडल। सातवें मंडल में आपको 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है, जो कि काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है ऋग्वेद के सातवें मंडल से। ऑप्शन नंबर सी में दिया है नौवें मंडल में, इसमें सोम देवता की जानकारी मिलती है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है, जिसके तहत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। ये सभी फैक्ट एक्स्ट्रा इसीलिए मैं बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन न आके इस प्रकार से इनमें से भी आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि रोजाना मॉर्निंग में आपको जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस व वीकली और मंथली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो देखिए, प्रशांत महासागर का जो नामकरण है पैसिफिक ओशियन, ये मेगलन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेगलन ने किया था प्रशांत महासागर का नामकरण। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ओडिशा राज्य में लोकसभा व राज्यसभा की सीटों की वर्तमान संख्या क्या है? तो यहां से आपको ओडिशा राज्य में पूछा है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। तो देखिए, ओडिशा में है 21-10, इसलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा में 21 लोकसभा व 10 राज्यसभा की सीटें हैं, तो 21-10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, ओडिशा में है तो ओडिशा में लास्ट में आ रहा है सै, तो यहां से आप इसमें लगा सकते हो ट्रिक कि ये जो सै है इसके जो आकार है यानी इसकी जो बनावट है वो 21 के जैसी है, यानी इसमें जो सै लिखता है वह 21 की तरह आपको दिखाई देता है, इसलिए आप 21 और 10 याद रख सकते हो इस प्रकार से इसे रिलेट करके। तो ओडिशा में जो
लोकसभा व राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो है 21-10। तो ओडिशा की बात है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सजावटी लाइटों में विद्युत धारा किस क्रम में संयोजित होती हैं? तो देखिए जो सजावटी लाइट्स होती हैं यानी डेकोरेटिव लाइट्स जो हम दीपावली के फेस्टिवल में यूज करते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स जो इस प्रकार से आपके यहाँ पे संयोजित होती हैं, तो उसमें जो विद्युत धारा होती है वो आपके श्रेणी क्रम में होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, श्रेणी क्रम में होती है सजावटी लाइटों में विद्युत धारा, जबकि जो घरों में लाइट यूज होती है सामान्यतः वहां पे समांतर क्रम में यहाँ पे यूज की जाती है विद्युत धारा। तो घरों में यूज की जाती है समांतर क्रम में और शादियों में और सजावटी लाइटों में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, पुस्तक लाइफ ऑन माई टर्म्स के लेखक कौन है? तो देखिए ये ऑटोबायोग्राफी है, लाइफ ऑफ माई टर्म्स ये शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, लाइफ ऑन माई टर्म्स शरद पवार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, 3 सदस्यों वाला कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, इसके जो सदस्य थे वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर हमबोल्ट। ऑप्शन नंबर ए बी और सी में दिया है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे, जबकि स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर ये तीनों इसके सदस्य थे, ऑप्शन नंबर ए बी सी में। तो इन तीनों को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी यानी जो बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है। तो देखिए सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ में स्थित है सिडबी का मुख्यालय। तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो तो लखनऊ में है और फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो प्रमुख हैं वर्तमान में वो हैं देवेंद्र कुमार। तो इतना सब कुछ सिडबी के बारे में ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लेकिन प्रथम भारतीय जो थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी में दिया है लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के प्रथम वॉइस राय थे। ऑप्शन नंबर सी में अभी बताया भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो कि ब्रिटिश थे, जबकि ऑप्शन नंबर डी में दिया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इन चारों के बारे में आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हाल ही में भीषण आग की चपेट में आए अमेजन वर्षावन कहाँ स्थित है? तो देखिए जो करंट के क्वेश्चंस होते हैं वो जो करंट के लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आप कहीं से भी पढ़ लेते हो, लेकिन जो पुराने क्वेश्चंस हो जाते हैं महीने दो महीने या तीन महीने के तो उनको आप रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्या है कि करंट के 1 से 2 क्वेश्चन रोजाना लाता हूँ, तो वो उन्हीं क्वेश्चंस को लाता हूँ जिनको आप लगभग लगभग भूल चुके हो। तो इसलिए पुराने क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड करता हूँ ताकि आपको वो रिवाइज होते रहे। तो देखिए जो अमेजन के वर्षा वन है इनमें आग लगी थी भीषण, तो ये जो वन स्थित है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का पहला ऊंटों का अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो देखिए, कैमिल हॉस्पिटल, पहला कैमिल हॉस्पिटल वर्ल्ड का, ये खोला गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुबई में खोला गया है विश्व का पहला ऊंटों का अस्पताल। तो दुबई कहाँ है? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो यूएई में है, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। यहाँ के जो सुल्तान है वो है खलीफा बिन जायद अल नयान। तो अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। और आप सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और आप सभी वीडियोज को शेयर करते हो, लाइक करते हो और इतना सपोर्ट करते हो, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 6 साल, 6 साल या फिर 65 ईयर यानी 65 साल की आयु तक भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये 148 आर्टिकल 148 के तहत नियुक्त होता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और ये कौन होता है? सीएजी, इसे कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यानी जो गवर्नमेंट मनी होता है उसका ये संरक्षक होता है, सिक्योरिटी करता है। तो जो वर्तमान में जो कैग है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले, इससे पहले ये क्या थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में कैग के पद पे हैं सीएजी। और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो बने हैं मनोज सिन्हा। तो ये दोनों नए अपॉइंटमेंट्स हैं, इन दोनों को ध्यान रखना है आपको। तो अब देखते हैं आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भारत में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको देना है। और फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। और हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ विद आंसर की मिल जाएगी, जिससे आप इन्हें रिवाइज कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।